हेलो फ्रेंड्स वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो जिसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं एरो फंक्शंस एरो फंक्शंस क्या है एरो फंक्शंस ई एस सिक्स या फिर एक्मा स्क्रिप्ट सिक्स व्हाट इज एक्मा स्क्रिप्ट सिक्स ओके सो एक्मा स्क्रिप्ट सिक्स इज नथिंग बट अ जावा स्क्रिप्ट वर्जन स्पेसिफिक जावा स्क्रिप्ट वर्जन और एक्मा स्क्रिप्ट का एक्मा स्क्रिप्ट शब्द का मतलब क्या है हालांकि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है कि वाई डू वी कॉल जावा स्क्रिप्ट वर्जन सै एज नॉट जावा स्क्रिप्ट वन जावा स्क्रिप्ट टू और जावा स्क्रिप्ट सिक्स बट एकमा स्क्रिप्ट सिक्स क्योंकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो फॉर एग्जाम्पल पाइथन अगर मुझे पाइथन के किसी स्पेसिफिक वर्जन को मैंशन करना हो देन आई यूज़ द वर्ड पाइथन थ्री पॉइंट टेन लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावास स्क्रिप्ट अगर मुझे जावास स्क्रिप्ट का कोई वर्जन अगर लेते जावा स्क्रिप्ट का सिक्स वर्जन जावा स्क्रिप्ट सिक्स सो आई डोंट यूज द वर्ड जावा स्क्रिप्ट सिक्स आई यूज द वर्ड एक्मा स्क्रिप्ट सिक्स अभी ये एकमा स्क्रिप्ट क्या चीज़ है उसे जानने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो मैंने बना के रखा है जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दी है जस्ट गो एंड चेकआउट दैट वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सो एकमा स्क्रिप्ट सिक्स वर्जन यानी कि जावा स्क्रिप्ट सिक्स वर्जन उसके अंदर के जो भी मैं क्विकली मेरे स्क्रीन के ऊपर ज़रा शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो रीड मी नाम के फाइल के अंदर जो लिस्ट बनाई है यूल फाइंड दिस ऑन द गीट तो यहाँ पे एज यू आर एबल टू सी वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद जावास्क्रिप्ट और एकमा स्क्रिप्ट सिक्स फीचर्स और उसमें पहला फीचर मैंने यहाँ पे लिखा है एरो फंक्शंस गेट स्टार्टेड विथ वॉट द एरो फंक्शंस आर सो उसे जानने के लिए मैं आपको ना सबसे पहले ओके बाय द वे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर एक्मा स्क्रिप्ट सिक्स नाम के फोल्डर के अंदर एरोस एरो फंक्शंस नाम का एक फोल्डर बना के रखा है और उसके अंदर मैंने एक एस और एक जावास्क्रिप्ट फाइल पहले से बना के रखी है यू नो अवर पैटर्न राइट सो अभी इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर क्विकली मैं आपको एक रिकैप देता हूँ कि अभी अभी तक आज तक इस पूरे प्ले के अंदर हमने कौन से और कितने फंक्शन डिफिनेशन किया फिर फंक्शन डिक्लेरेशन के सिंटेक्सेस को स्टडी किया है तो यहाँ पे सबसे पहला तो सिंटेक्स आप सभी को पता है कि फंक्शन स्पेस फंक्शन नेम पैरथिस कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज दिस वी हैव बीन यूजिंग सिंस द फर्स्ट वीडियो उसके बाद जो सिंटैक्स आता है वो मैंने आपको इस पूरी प्लेलिस्ट के इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यू कैन एक्चुअली डिफाइन अ वेरिएबल एंड यू कैन असाइन अ फंक्शन डेफिनेशन टू दैट वेरिएबल कुछ इस तरीके से तो ये सेंटेक्स मैंने आपको बताया हालांकि इन दोनों सेंटेक्सेस के मतलब में कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों को इन्वोक करने का फंक्शन इन्वोकेशन का स्टाइल भी सेम है फंक्शन नेम एंड पैरथेसिस लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो डिफरेंस जावा के अंदर की एक हॉइस्टिंग नाम की कॉन्सेप्ट से जुड़ा है हॉइस्टिंग लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं अभी वो कवर नहीं कर रहा बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा हॉस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है समझाने के लिए फंक्शंस को किसी भी तरीके से डिफाइन करो इफ यू आर नॉट यूजिंग और इफ यू आर नॉट कीपिंग हॉस्टिंग इन अवर माइंड लेकिन तो अभी हमें इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी अड़चन नहीं आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले दट्स वाइल कवर हॉस्टिंग इन द लेटर वीडियो सो एक और सिंटैक्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो है ये एरो फंक्शन का सिंटैक्स सो आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेरिएबल लेट्स ए एरो फंक्शन और उसको एक फंक्शन uh, पास करने के लिए आई कैन जस्ट एक्सक्लूड दैट फंक्शन की वर्ड सो आई जस्ट स्टार्ट विद अ पेयर ऑफ सर्कल ब्रैकेट्स आई लूज एरो दैट इज इज इक्वल टू साइन एंड ग्रेटर देन साइन एंड देन फॉर फंक्शन बॉडी मैं इस्तेमाल करूंगा कर्ली ब्रैकेट्स पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स का अभी यहाँ पे आप ऑब्वियस सवाल जो हमारे सबके मन में आ सकता है वो ये है कि फंक्शन कीवर्ड लिखने में एज सच हमें कुछ दिक्कत नहीं थी ओके okay. तो ये फंक्शन एक्सक्लूड करके या फिर ये फंक्शन की वर्ड एक्सक्लूड करके यहाँ पे हमने ऐसा क्या उखाड़ा क्योंकि अभी सी देखो फंक्शन की तो एक्सक्लूड हो गया चलो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फंक्शन की में ऑब्वियसली ज़्यादा है तो वो जो हमारा टाइम है वो बचेगा लेकिन जो हमारे हाथ को जो आदत लगी थी कि क्विकली फंक्शन की टाइप करने की वो आदत अभी तोड़ के हमें नई आदत क्या लगानी पड़ेगी सर्कल ब्रैकेट देन एन एरो तो एरो सेल्फ इज़ हमें थोड़ा सा मतलब उसमें कष्ट पड़ेगा कि अरे हाँ एरो एरो इस्तेमाल करना है तो ऐसे हमने अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने ऐसा क्या उखाड़ा हमने ऐसा क्या मतलब इसमें एडवांटेज हमें हमें क्या मिलने वाले हैं सो लेट्स डिस्कस द सेम लेकिन उन एडवांटेजेस को जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ सो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक फंक्शंस सो एंड यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद अ फॉर एच लुप सो अगर मैं यहाँ पे एक एक एरे ऑफ रैंडम इंटीजर वैल्यूज अगर मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूँ ओके और उस एरे के ऊपर अगर मुझे फॉर ईच लूप को इम्प्लीमेंट करना हो तो फॉर ईच लूप के अंदर हम क्या uh, मतलब कॉल बैक फंक्शन हम किस तरीके से आज तक डिफाइन करते आए हैं यूजिंग द ट्रेडिशनल सेंटेक्स लाइक दिस फंक्शन लेकिन अगर यहाँ पे ओके चलो मान लो यहाँ पे एक पैरामीटर हमें मिलता है विच इज नेक्स्ट नंबर और इस इसकर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा सपोज आई जस्ट स्टार्ट विथ जस्ट प्रिंटिंग द नंबर सो कंसोल लॉग नेक्स्ट नंबर अभी यहाँ पे इज अ प्रॉब्लम सॉरी फंक्शन का मेरा स्पेलिंग गलत हो गया सो फंक्शन नेक्स्ट नंबर देन कंसोल लॉग नेक्स्ट नम अभी यहाँ पे चीज ऐसी है कि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है एक और मेरे बॉडी के अंदर फंक्शन बॉडी के अंदर एक्सप्रेशन भी है एक इन दिस केस हाउ मेनी लाइन्स ऑफ कोड आई हैव टू कंज्यूम वन टू एंड थ्री लेकिन अगर मैं सेम सिंटैक्स को यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ वॉट इज द अंटेक्स वॉट इज द शॉर्टकट इस मैक को आई डोंट नो वॉट इज द शॉर्टकट फॉर मल्टी लाइन कमेंट तो यहाँ पे मैं मैन्युअली एक मल्टी लाइन कमेंट ऐड करता हूँ और इस सेम सिंटेक्स को अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ विथ एरो फंक्शन सो फॉर इच लूप तो वैसा का वैसा रहेगा हम सिर्फ ट्रांसलेट करेंगे हमारे ट्रेडिशनल फंक्शन के सिंटेक्स को एरो फंक्शन में ऑब्वियसली इट विल लुक समथिंग लाइक दिस यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट नंबर एक्सक्यूज मी और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग नेक्स्ट नंबर ओके अभी अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन की वर्ड दूसरा ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो हमें इस केस में मिल रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ इफ इन केस वी आर यूजिंग एरो फंक्शन ओवर हियर और एरो फंक्शन को जो नंबर ऑफ arguments हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ कॉल बैक कॉल बैक फंक्शन के तौर पर तो वो नंबर ऑफ arguments अभी यहाँ पर कितने हैं केवल एक अभी नंबर ऑफ arguments अगर सिर्फ एक है तो यहाँ पर इट्स नॉट कंपल्सरी और इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ अ पेयर ऑफ सर्कल ब्रैकेट्स तो ये हमारा एक छोटा सा एफर्ट और बच गया दूसरी चीज़ अभी फिलहाल हमारे फंक्शन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस कितने हैं द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन आर ऑल्सो वन सो इन दैट केस आई डोंट इवन हैव टू यूज अ पेयर ऑफ कर्लीट्स सो एकदम शॉर्ट हैंड इंडेक्स हमारा बन गया नेक्स्ट नंबर एरो एंड सिंगल एक्सप्रेशन अभी यहाँ पे एज लॉन्ग एज आई एम यूजिंग अ सिंगल एक्सप्रेशन मान लो कि यहाँ पे एक काम करते हैं, एक टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ट्राई करते हैं सो नेक्स्ट नंबर मॉड टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो क्वेश्चन मार्क देन कंसोल लॉग नेक्स्ट नंबर एल्स कंसोल और एल्स नथिंग ओके एल्स रिटर्न नथिंग तो अगर मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ लेट्स लेट्स जंप इनटू टू आवर ब्राउजर एंड वी आर एबल टू सी कि सारे के सारे इवन नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं अब यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके क्या किया मैंने सिंगल एक्सप्रेशन में मेरी पूरी की पूरी जो कंडीशन है आई होप यू आर फैमिलियर विथ टर्नरी ऑपरेटर दिस इज द इफ कंडीशन इफ दिस कंडीशन गेट सेटिस्फाइड देन क्वेश्चन मार्क के सॉरी क्वेश्चन मार्क के आने वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होता है और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो कोलन के बाद का एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है फिर क्वेश्चन मार्क के बाद का एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होता सिंपल इफ एल्स को हमने सिंगल लाइन में लिखा सो दिस एंटायर इज अ सिंगल एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेटर्स तो ये हमें अलाउ कर रहा है कि यू कैन नॉट यूज और इट्स ओके इफ यू आर नॉट यूजिंग अ पेयर ऑफ करली ब्रैकेट लेकिन अगर यहां पे एक्सप्रेशन की जगह अगर मैं एक ब्लॉक एड कर दू मान लो मैं इस टर्नरी ऑपरेटर की जगह प्रॉपर इफ फेल स्टेटमेंट लिखू इफ नम सॉरी नेक्स्ट नम मॉड टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो करली ब्रैकेट्स एंड सो ऑन तो यहां पर यह मुझे अलाउ नहीं करेगा करली ब्रैकेट्स को अवॉयड करने के लिए सो so, यहाँ पे तुरंत उसने एक एरर यहाँ पे रेडमार्क दिखा दिया करली ब्रैकेट एक्सपेक्टेड सो एज लॉन्ग आफ्टर द एरो द एक्सप्रेशन इज सिंगल यू कैन एक्सक्लूड अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स ट्स वाई दिज एरोक्शन आर क्वाइट पॉपुलर बिकॉज अभी यहाँ पे जा मतलब जावा के अंदर कई सारे बिल्टिन फंक्शन ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल फॉरिज की तरह फिल्टर मैप रिड्यूस वगैरह जैसे इटरेटर्स हैं तो यहाँ पे जब कभी भी हम इस एरो फंक्शन का इस्तेमाल एज अ कॉल बैक फंक्शन वगैरह के तौर पर करते हैं एट दैट टाइम इट्स क्वाइट यूजफुल इट क्वाइट इट बिकम्स क्वाइट अ शॉर्ट हैंड सेंटेक्स क्विकली हम लिख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल ऐसा होगा हालांकि वो कंसेप्ट अभी तक हमने कवर नहीं किया है लेकिन आप कोड देख के समझ जाओगे इतने आप डेफिनेटली इंटेलिजेंट हो कि इफ़ यू वॉन्ट टू फेच समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट सो सॉली यूज़ अ सिंपल फेच फंक्शन और मान लो यहाँ पे मैं अगर एस टी टी पी एस कोलन डबल स्लैश आर ई क्यू आर ई एस डॉट इन स्लैश ए पी आई स्लैश यूजर्स इट्स अ क्वाइट पॉपुलर वर्ट यू कैन से सैम्पल रेस्ट ए पी आई मैं आपको दिखा देता हूँ अगर सॉरी अगर मैं इस रेस्ट ए पी आई को अगर ब्राउजर के अंदर ओपन करूँ आई गेस गिस्र इज अ शॉर्टकट कमांड एंड क्लिक या ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे लेट्स क्लिक अपॉन प्रेटी प्रिंट और कुछ इस तरीके का हमारा जो जेसन डॉक्यूमेंट uh, है वो हमें रिस्पॉन्स में मिलता है इट्स अ रेस्ट ए पी नथिंग फैंसी तो अगर मुझे कुछ फेच करना हो तो फ़ेच के बाद इट्स अ प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स हालांकि ये प्रोमिस बेस्ड सिंटैक्स क्या होता है वगैरह कंसेप्ट बाद में आएंगी बट फॉर नो यू कैन कंसिडर समथिंग लाइक दिस फेच डॉट देन मतलब ये वी आर क्रिएटिंग अ पाइपलाइन कि जो भी फेच में हमें रिजल्ट मिल रहा है जस्ट पास दैट रिजल्ट टू दिस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट अभी देन फंक्शन टेक्स अ कॉल बैक सो आई हैव टू क्रिएट अ कॉल बैक फंक्शन समथिंग लाइक दिस और उसके अंदर फिर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा फिर मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन अलग करूंगा एंड सो एंड सपोर्ट तो ये पूरा सिंटक्स मुझे लिखना ना पड़े क्योंकि पैरामीटर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मुझे एक ही मिल रहा है और शायद मुझे यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन uh, लिखना पड़े सो आई कैन यूज अ एरो फंक्शन क्विकली लाइक दिस सो रिस्पॉन्स एरो रिस्पॉन्स डॉट जेसन उसके बाद एक और मैं पाइपलाइन क्रिएट करूँगा यहाँ पे सो देन रिस्पॉन्स डेटा एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉक रिस्पॉन्स डेटा ओके विदाउट राइटिंग फंक्शन की वर्ड विदाउट राइटिंग करली ब्रैकेट्स विदाउट टेकिंग अ पेयर ऑफ सर्कल ब्रैकेट्स आई वॉज क्विकली एबल टू राइट अ कॉल बैक फंक्शन इनसाइड अ देन फंक्शन ये सेंटेक्स में बाद में आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डिटेल में क्या है लेकिन फिलहाल कुछ इस तरीके से कंसिडर कीजिए आप इसको कि इस ए को रिक्वेस्ट करके आई एम फेचिंग द जेसन आई एम जस्ट वॉट यू कैन से सेपरेटिंग द एक्चुअल जेसन रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बिकॉज द रिस्पॉस ऑब्जेक्ट हैज सो मच अदर मेटा डेटा ऑल्सो लेट्स नॉट गोइंग टू सो मच डिटेल्स राइट नाउ और उसके बाद जो भी मुझे रिस्पॉन्स डेटा मिल रहा है आई एम कैप्चरिंग इट इन साइड अ वेरी एबल आई एम सिम्पली कंसोल लॉगिंग इट सो जो हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर डिरेक्टली ब्राउज के अंदर मिल, अंदर मिल रहा है द सेम रिस्पॉन्स आई बी एबल टू गेट ऑन दिस पर्टिक्युलर कंसोल नथिंग फैंसी डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा सो so, इस तरीके से जहां कहीं पर भी हमें बार 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 बार, बार फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है आई एम नॉट जस्ट डिफाइनिंग अ लाइब्रेरी फंक्शन टू बी रीयूज आई एम एक्चुअली डिफाइनिंग अ फंक्शन अगेन एंड अगेन प्रोवेबली एज अ कॉल बैक इन दैट केस इट बिकम्स हेक्टिक टू राइट द फंक्शन की वर्ड द पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स द पेयर ऑफ सर्कल ब्रैकेट्स अगेन एंड अगेन एंड दैट्स वाई इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो एरो फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी शॉर्ट हैंड सेंटैक्स बन जाता है कि तुरंत क्विकली हम एक एरो फंक्शन के जरिए कॉल बैक फंक्शन बना सकते हैं सो दिस वॉज अबाउट द एरो फंक्शन आई होप मैंने काफ़ी सारे और मैक्सिमम पॉइंट्स एरो फंक्शन के रिलेटेड यहाँ पे इस वीडियो में कवर किए हैं सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल अगर आपने कुछ सीखा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो ऑब्वियसली देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड टू फॉलो दिस सीरीज दिस जावा सीरीज एंड टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर टेक्स फ्राइडेज यूट्यूब चैनल स्टेट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय